हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 16 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस टीम ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, फाइनल में क्रोएशिया को 4-2 से हराने के बाद फ्रांस ने 20 साल बाद दोबारा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 1998 में फ्रांस चैंपियन रह चुका है और 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला फ्रांस छठा देश बना है। फ्रांस से पहले ब्राजील, जर्मनी, इटली, उरुग्वे और अर्जेंटीना भी 2-2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, हैरी केन। हैरी केन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल कर गोल्डन बूट जीतने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले 1986 में मेक्सिको में हुए विश्व कप में गैरी लिनाकर ने गोल्डन बूट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर बांध किस भारतीय नदी पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा, सोन नदी पर। विंध्य सेक्टर की बहुउद्देश्य बाण सागर नहर परियोजना का कार्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन मिर्जापुर के चनईपुर गांव से किया। 3500 करोड़ की लागत से बनी इस 170 किलोमीटर नहर परियोजना के यूपी हिस्से का कार्य इसके शिलान्यास के 39 साल बाद पूरा किया जा सका है। इस नहर परियोजना का लाभ प्रदेश के 2 बड़े जिलों मिर्जापुर और इलाहाबाद के एसईसी सेक्टरों के 1.70 लाख किसानों को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी बाण सागर नहर परियोजना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यह किन 3 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो इसमें आंसर आएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की। और इसका मुख्य बांध मध्य प्रदेश के शहडोल में बनाया गया था। यह परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। 39 साल पहले मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की सिंचाई को लेकर इस परियोजना का खाका तैयार किया गया था, और यह तय किया गया था कि परियोजना का 50% पानी मध्य प्रदेश सरकार उपयोग करेगी, इसलिए इसकी लागत 50% खर्च भी मध्य प्रदेश करेगा। वही 25% पानी यूपी और बिहार को देने का मसौदा बना था, इसलिए दोनों राज्यों को 25-25% खर्च करना था, और सरकारों की बदलने की वजह से यूपी के हिस्से में पानी आने में लंबा वक्त लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो इसमें आंसर आएगा, 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश पर हथियारों के प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा, दक्षिणी सूडान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 में दंड प्रावधानों की समीक्षा के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्य समिति गठित की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा विश्व सीमा शुल्क संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, भारत इसका नया उपाध्यक्ष बना है। नेक्स्ट है, विश्व सीमा शुल्क संगठन कुल 6 सेक्टरों में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत जून 2020 तक इस पद पर रहेगा। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचनार राजा तालाब क्षेत्र के लिए कुल 937 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है, यह किस शहर से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, कचनार राजा तालाब वाराणसी शहर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द गिल्ट नामक स्क्रिप्ट को द हिंदू प्ले व्हाइट अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, द गिल्ट के लेखक है श्वेतांशु बोरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मनामा में नए भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया, जो संबंधित है, तो इसमें आंसर आएगा मनामा बहरीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 3 संरक्षित स्मारक और धरोहर स्थल को छोड़कर अन्य सभी परिसर में फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है, जिनमें शामिल है, यानी वो जो 3 संरक्षित स्मारक जिसमें फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वो हैं अजंता की गुफाएं, ले पैलेस और ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है, तो इसमें आंसर आएगा 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही स्वाति बी बरुआ के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें आंसर आएगा स्वाति बी बरुआ असम की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने मुंबई गोवा की पहली क्रूज सेवा के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, इसकी शुरुआत कब से होगी, तो इसमें आंसर आएगा इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2018 से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2018 के लिए पुरुष एकल वर्ग प्रतियोगिता खिताब जीत लिया है, तो इसमें आंसर आएगा नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में अपना सबसे बड़ा वीजा केंद्र खोला है, तो इसमें आंसर आएगा बांग्लादेश में, और इसका उद्घाटन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंदिरों में FSSAI प्रमाणित प्रसाद की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है। आपके ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार स्थानीय लड़कियों को जिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेगी। आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।